न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के बांदा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस तहसील पवेरू पर किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। वहीं पदाधिकारियों ने किसानों की कर्ज माफी, अन्ना जानवर, सिंचाई संसाधन, किसानों का उत्पीड़न आदि कई समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आदित्य स्वरूप पांडे, प्रभारी किसान जागरण अभियान, गजेंद्र सिंह पटेल, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, शैलेन्द्र सिंह पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष पवेरू, गंगा विष्णु, राम सेवक शुक्ला, ज्ञानेन्द्र, शिवचरण प्रजापति, ब्लॉक अध्यक्ष कमासिन, आदित्य नारायण गुप्ता और पप्पू, ब्लॉक उपाध्यक्ष कमासिन, नीरज पाटकर, जिला उपाध्यक्ष, राजकुमार विश्वकर्मा, खलील अहमद, आज सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार गब्बू जी के निर्देश पर किसान जन जागरण अभियान चल रहा था, जिसे कांग्रेस के जिम्मेदार साथियों ने किसानों के दरवाजे जा कर के किसानों की समस्या को जाना और उनकी समस्याओं को लेकर के आज हम तहसील परिसर पर सब लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आप जान रहे हैं कि बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या करता जा रहा है, यहाँ का किसान अन्ना मवेशी जानवरों से पीड़ित है, दबाव है, परेशान है, खाद बीज पानी समय से मिल नहीं रहा है और क्रेडिट कार्ड पर आरसियाँ जारी हो रही हैं, उनकी नोटिसें पहुंच रही हैं। आप देख रहे हैं कि बिजली के बिल के दाम कितने बढ़े हैं और उनके ट्यूबवेल के लिए जो बिजली मिलती है तो लो वोल्टेज में मिलती है, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के आज किसान के सम्मान में कांग्रेस में